हम सुनाते हैं, आप सुनिए नई नई कहानियां boltikahani.com पर, और एक एडल्ट सेक्शन भी है। आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का। boltikahani.com पर आप सुनेंगे सौरभ नायर की कहानी सत्य के प्रयोग। आधे घंटे पैदल चलने से हालत खराब हो गई। बापू ने दांडी यात्रा कैसे पूरी कर ली? बाप आदमी था इसलिए सब लोग बापू बापू बुलाते होंगे। मेरा मोटापा बढ़ता जा रहा था और उसको कम करने के लिए कुछ तो उपाय करना था, तो मैंने रोज पैदल ही काम पे जाने का फैसला किया। फैसला मेरा था इसलिए भुगतना भी मुझे ही था। आज दूसरा दिन था मेरी पदयात्रा का। ऑफिस में सब लोग आश्चर्य में थे कि मैं पैदल ऑफिस कैसे आने लगा। पूरे ऑफिस में हल्ला मच गया। मैनेजर श्रीकांत वर्मा पैदल ऑफिस आने लगे हैं ताकि मोटापा कम हो सके। लोगों ने डाइटिंग शुरू कर दी। मेरी मिसालें दी जाने लगी थी कि भाई, जब वर्मा जी जैसा मैनेजर आदमी पेट कम करने के लिए पैदल चल सकता है तो हम क्यों नहीं। एक एक करके सबने अपनी अपनी गाड़ियों का त्याग कर दिया। जो दो कम तक के दायरे में रहते थे वो भी पैदल आने लगे, और जो दूर से आते थे वो 2 किलोमीटर पहले बस का त्याग कर देते और वहां से पैदल आने लगते। मेरे प्रति मेरी स्टाफ की इतनी श्रद्धा देखकर मेरा मन खुश हो गया, और मैंने महीने के अंत में अपनी ओर से सारे स्टाफ को डिनर पार्टी देने की सोची। सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। महीने के अंत का सब लोग इंतजार कर रहे थे। इसी बीच अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचता हूँ तो देखता हूँ आधा स्टाफ गायब। मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, आज कोई त्योहार है? काफी लोग नहीं आए। रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, सर कुछ लोग दूर से आते हैं तो पैदल आने में लेट हो जाते हैं, और कुछ लोगों के पैर में मोच आ गई है। पैदल चलने के कारण कुछ का पैर सूज गया है। 2 बजे के करीब सारा स्टाफ मुझे दिखा। मैंने एक मीटिंग बुलाई और सबको कहा, डिनर बस उन्हीं लोगों के लिए होगा जो बिना एब्सेंट के टाइम पे ऑफिस आएंगे। खबर सब में फैल गई। पूरे ऑफिस में हड़कंप मच गया। लोगों ने वापस अपनी अपनी गाड़ी से आना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं या मेरे डिनर को। मैं महात्मा गांधी की जीवनी सत्य के प्रयोग पढ़ रहा था। मुझे समझ में आया, दुनिया चापलूसों से भरी हुई है। अपने को बदलने के लिए बड़ा परिश्रम लगता है। मेरे आसपास का कोई आदमी अपने कारण बदलना नहीं चाहता। स्वार्थ के कारण किया गया बदलाव बदलाव नहीं है। आधे से ज्यादा स्टाफ जिसे मैं समझ रहा था मेरे प्रति प्रेम है, वो अपने पुराने रूटीन में लौट चुका था। कैसे भी करके मुझे इंप्रेस करना चाहते थे वो। सब वापस टाइम पर आने लगे। बस फिर क्या, डिनर का दिन पास आता जा रहा था और पूरे स्टाफ में मेन्यू को लेकर बाजार गर्म था। इधर मेरी गांधी जी की जीवनी का एक एक चैप्टर खत्म होता जा रहा था। डिनर का दिन आ गया और मैंने जीवनी में खुराक के प्रयोग अध्याय पढ़ना शुरू किया। नियत दिन पर स्टाफ मेरे घर डिनर के लिए आ गए। बातों के बाद खाने का नंबर आया। बर्तन ढके हुए थे। मैंने सभी को खाना शुरू करने के लिए कहा। सब खाने पे टूट गए। जैसे ही बर्तन हटाया सबके चेहरे लटक गए। एक प्लेट में खीरा, दूसरे में उबली दाल, खिचड़ी और जग में दूध। मैंने कहा, अरे खाइए भाई, रुक क्यों गए? आजकल मैं डिनर में यही खाता हूँ, चलिए मैं ही शुरू करता हूँ। मैंने प्लेट में खिचड़ी लेके खाना शुरू किया। किसी के पास अब कोई चारा भी नहीं था। आखिरकार सबने बिना मन के मेरा अनुसरण किया और खिचड़ी अपने गले के नीचे उतारी, और सबने एक साथ कहा, लाजवाब खिचड़ी है सर। मेरी नजर सत्य के प्रयोग के फ्रंट पेज पर छपी गांधी जी की तस्वीर पर पड़ी, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। boltikahani.com पर आपने सुनी सौरभ नायर की कहानी सत्य के प्रयोग। हम सुनाते हैं, आप सुनिए नई नई कहानियां boltikahani.com पर,
और एक एडल्ट सेक्शन भी है। आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का।